साथियों सादर प्रणाम। आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी किचन की तरफ ले चल रहा हूँ और वहाँ पे मैं खुद तैयार कर रहा हूँ अपने फार्म की ऑर्गेनिक सब्जियों से तैयार सब्जी। तो अब ले चलते हैं आपको कि आज हम सुबह के नाश्ते में किस तरह की डिश तैयार कर रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यह राई है और इधर कुछ मेथी भी है। ये देख लीजिए मेथी है, ये मेथी है, ये राई है और आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम आज की डिश तैयार करेंगे। तो पहले हम ये राई ले लेते हैं, ये राई के छोटे छोटे पत्ते हैं, इसको बारीक काट लेंगे चाकू से। ये देख लीजिए किस तरह से इसको काट लेते हैं बारीक फटाफट। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, यदि चाकू तेज हो गया तो हाथ कटने का डर भी होता है। ये देख लीजिए वैसे हम राई को बारीक बारीक हिस्सों में काट रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे ये राई की सब्जी तैयार कर रहे हैं। सर्दियों में खूब हरी सब्जी खानी चाहिए। के शरीर में खून की कमी है तो उसे रोज अपने खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, उससे शरीर में प्रचुर मात्रा में ब्लड बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसमें मिक्स हो गई, इसमें मेथी भी है, ये सारा हमने मिक्स कर लिया है। ये सारी मेरे गार्डन की सब्जियां हैं, ये सारी जैविक खादों से तैयार की हुई सब्जी है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल प्रयोग में नहीं लाया गया है। क्योंकि आजकल मार्केट में देखें तो सारी सब्जियां जो हैं वो केमिकल से उगाई हुई हैं, इसीलिए तो आजकल इतनी बीमारियां हैं, कम उम्र में ही हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी इन केमिकल युक्त सब्जियों से होता है। इसलिए आज के परिवेश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में अपने खेत की शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए यदि हमें स्वस्थ रहना है, वरना गलत चीज़ें खाने से यदि बीमारियां लगे तो सारा के सारा मेहनत का जो पैसा है वो हॉस्पिटलों में खर्च हो जाता है। ये देख लीजिए किस तरह से मैंने इनको बारीक बारीक हिस्सों में तब्दील कर दिया है। और ये अलग विधि भी होती है इसको काटने की, यदि हमने और बारीक हिस्सों में काटना है तो एक गिलास लेना है, गिलास के ये ऊपर का जो हिस्सा होता है कॉर्नर का बड़ा नुकीला होता है, तो भाई यदि जल्दी जल्दी करना है ज़्यादा सब्जी तो इस तरफ से भी कर सकते हैं। देख लीजिए को साफ करके फिर ये देख सकते हैं कितना बारीक कट चुका है। अब हमने कढ़ाई में आप देख सकते हैं ये कढ़ाई है और इसमें ये बोतल में सरसों का तेल है। अब मैं अकेला हूँ, कैमरा भी मैं ही पकड़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें हमने हरी सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, ये तेल हमने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल शुद्ध।
और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, अभी आप अभी ऐड करेंगे इसमें जीरा, जीरा इसमें ऐड करेंगे, इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, जीरे के बजाय इसमें धनिया डालें। जीरा रखा हुआ है लेकिन पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मैं किचन में का अनुभव तो नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं जीरा कहाँ रखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा धनिया ऐड करेंगे, ये जीरे का पैकेट मिल गया है, देख लीजिए आप ये जीरा। तो इसमें ये पैकेट से थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, ये देख लीजिए ये हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं, ये थोड़ा धनिया भी ऐड कर लिया है, देख लीजिए ये धनिया इसमें ऐड कर लिया। और उसके बाद इसको यहाँ रख देते हैं, ये डिश तैयार हो रही है। तमाम ये डिश जो होगी मिनरल विटामिनों से युक्त हरी सब्जी की डिश तैयार हो रही है। ये देख लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पे करछी भी ढूंढ लेते हैं, ये करछी रखी हुई है, ये करछी है देख सकते हैं यहाँ पे, ये किचन में सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, देख लीजिए ये सारे बर्तन बुर्तन यहाँ रखे हुए हैं किचन में। हरी सब्जी में टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, ये नमक है नमक, इसमें नमक पहले इन नमक के पैन में डाल देंगे, ये नमक हमने इसमें रख दिया है सहूलत के लिए। नीचे गिर गया है, हो गया। अभी किचन के मामले में मैं बहुत अनट्रेंड आदमी हूँ, कैमरा भी खुद ही पकड़ना पड़ रहा है और सब्जी भी खुद ही बनानी पड़ रही है, इसलिए साइज इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है। लेकिन साथियों जो भी क्वालिटी होगी उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, और वीडियो को अंतिम में खूब शेयर और लाइक ज़रूर करना ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको बीच बीच में दिखाता रहूं। बड़ी मेहनत होती है साथियों इस तरह की वीडियो बनाने में, कई बार तो वीडियो बनाते बनाते ही डिलीट हो जाते हैं। तो साथियों देखिए इस तरह से ये चटक चुका है, ये देख लीजिए काला हो गया है। अब इसमें हम इस तरह से ये देख लीजिए तैयार हो रही है, तब तक हम मसाला वगैरह भी तैयार कर लेते हैं। जैसे ही सब्जी आएगी तो इसमें धुआं उठेगा, इसलिए यहाँ से एग्जॉस्ट फैन भी चला लेते हैं ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए। थोड़ा
थोड़ा सा काला होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथियों अब ये तैयार हो चुका है और इसमें काटी हुई हरी सब्जी हम डाल देते हैं। तो देख लीजिए हमने काटी हुई हरी सब्जी इसमें ऐड कर लीजिए। और फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं। नमक डाल दिया तो थोड़ा सा इसमें मसाला भी ऐड कर लेते हैं और मिर्चा हल्का सा मिर्चा क्योंकि हम मिर्चा कम ही खाते हैं कि हल्का सा हमने इसमें मिर्चा डाल दिया है। इसके अलावा हल्दी ये थोड़ा सा हल्दी डाल दी क्योंकि हरी सब्जी में हल्दी कम ही पड़ती है। इस तरह से फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसमें मसाला मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने फिर इसके बाद इसको कुछ समय के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसको ऊपर से ढक देते हैं। साथियों 20 या 25 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी और फिर आज के नाश्ते में लेते हैं इसका आनंद। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर दिखाते हैं अलग अलग तरह के वीडियो, कभी प्रकृति के, कभी किचन के, कभी बाग बगीचे के, कभी जंगलों के। तो इस तरह हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। लेकिन साथियों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे इस तरह की वीडियो को बनाने में। और मैं चाहता हूं कि आपको तरह तरह के वीडियो मैं दिखाता रहूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय उत्तराखंड।